सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने रखी हनुमान जी की मूर्ति हटाने पर आक्रोश। तथा कथित बजरंग दल के लोगों के द्वारा हटाई गई मूर्ति बजरंग सेना ने जताया विरोध। बजरंग सेना का आरोप, सब बल से चोट पहुंचाकर मूर्ति को किया गया खंडित। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने अस्तबल वाले बाबा की मजार के साथ साथ हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी, जिसे आज कुछ लोगों ने संबल से उखाड़ कर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर रख दिया है। बजरंग सेना को जब इस बात की जानकारी लगी तो वह मौके पर पहुंच गई, जहां पर एक युवक अपने आप को बजरंग दल का सदस्य बता रहा था और मूर्ति उखाड़ने में उसे देखा गया। तभी बजरंग दल के कुछ और लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है, यहां तक कि उस युवक को अपना सदस्य भी मानने से इनकार कर दिया। तभी वह सदस्य अचानक वहां से लापता हो गया। इस पूरे मामले को लेकर बजरंग सेना के पदाधिकारियों व सदस्यों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस बात की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सब्बल की चोट से मूर्ति खंडित होना बजरंग सेना के द्वारा बताया गया, जिससे वह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बजरंग सेना का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के मूर्ति किसके इशारे पर वहां से हटाई गई। हालांकि मूर्ति अभी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर रखी गई है, जहां बजरंग सेना के लोग पहुंच चुके हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। सूचना मिली थी अभी कि कुछ लोग बजरंग बली की मूर्ति तोड़ करके उसको जो है विखंडित कर रहे हैं, और इधर तब हम लोग आए तो हमारे बजरंग सैनिक पहले पहुंच चुके थे। इन्होंने देखा कि एक कौन सा शशांक पाठक नाम का लड़का जो है अपने कुछ दो तीन लोगों को लेकर सब्री से तोड़ रहा था मूर्ति को, और अपने आप को बजरंग दल का सदस्य बता रहा था। उसकी वीडियो क्लिप शायद हमारे बजरंग सैनिकों ने बनाई है, और हम लोग जो है अभी उस व्यक्ति के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाएंगे, और प्रशासन को भी, जो प्रशासन जिसके बारे में हम लोगों ने दो से तीन बार पहले भी इस बात की का ज्ञापन दिया था कि इस मंदिर को संरक्षित किया जाए, इसको तोड़ फोड़ न की जाए, और इसमें उसके बावजूद भी जो है अगर किसी संगठन द्वारा या शासन के प्रभाव में आकर शासन से मिली भगत करके ये या ठेकेदार से मिलकर ऐसा कर रहे हैं, तो बजरंग सेना उसका जोर विरोध करती है और सड़क में उतर कर आंदोलन करेगी और चक्का जाम भी किया जाएगा शासन नहीं मानी तो। बताया जा रहा है कि ये बजरंग दल के द्वारा ऐसा कराया गया है, तो वो जो व्यक्ति मौजूद था वो अपने आप को बजरंग दल का व्यक्ति बता रहा था। यहाँ कुछ बजरंग दल के लोग भी आए थे और उनके साथ निकल गया है, तो क्या मानते हैं आपकी बजरंग दल की मिली भगत है ये प्रशासन? अब अगर बजरंग दल का नाम ले रहे थे तो ये बजरंग दल का काम है कि वो देखे कि उनके सदस्य हैं कि नहीं है, लेकिन अगर बजरंग दल भी इस में इन्वॉल्व है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम उसके खिलाफ भी जो है बजरंग सेना कार्रवाई करेगी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र शुक्ला, संभाग अध्यक्ष बजरंग सेना। अभी फ़ोन के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोग आकर मूर्ति हटा रहे हैं। मैं अपने पदाधिकारियों से अभी चर्चा करके इस मैटर पर ज्ञापन दूंगा, और जो भी शशांक पाठक जो तोड़ रहा था मूर्ति को खंडित किया है उसके खिलाफ FIR कराएंगे, और बाकी हम लोग अभी वो करेंगे। अगर प्रशासन ने बिना मंदिर बनाए यहाँ से मूर्ति हटाई तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अगर होगी वो प्रशासन की होगी, और जो भी हमसे करते बनेगा उसको करेंगे भगवान को संरक्षित करने के लिए। जो द्वारा हटाया जा रहा था वो बजरंग दल का अपने आप को बता रहा था। हाँ, बजरंग दल का बता रहा था। कुछ बजरंग दल के लोग अभी आए और वो अचानक से भाग गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बजरंग दल का इसमें कोई हाथ नहीं है और ना हम लोग इसमें कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। अब टिप्पणी नहीं करना चाहते तो हो सकता है कि वो बजरंग दल से संबंधित रहे हों, क्योंकि टिप्पणी तो उनको करना चाहिए था अगर ऐसा मैटर हुआ है तो। अगर ऐसा है तो हम लोग निंदा करते हैं, वो हिंदू धर्म के रक्षक नहीं फिर भक्षक हैं। और भाई विगत दिनों उन्होंने जब हम लोगों ने चका जाम किया था, बजरंग दल भी हम लोगों के साथ था जब नेक्स्ट दो तीन मंथ पहले हम लोगों ने किया था, और स्वाभाविक है हम भी हिंदुत्व के लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। अब इनमें तो उनके वरिष्ठ अधिकारी जो पदाधिकारी हैं अपनी टिप्पणी देंगे,
बजरंग बजरंग सेना के बजरंग दल के जिम्मेदार व्यक्ति को आके इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारे देखिए मानसिक परिवर्तन के बारे में मैं आपको बताऊं। जो कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी तो ये हुआ था कि जो भी धार्मिक संगठन है उन सबकी एक टीम बनेगी, उसके बाद बैठकर उनसे डिस्कस होगा और पूर्व मंत्री जी उसमें रहेंगे और एक स्थान यहाँ पे नियत किया जाएगा, मंदिर यहीं बनाया जाएगा। ये चीज़ कलेक्टर साहब से, माननीय कलेक्टर साहब से मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था। अगर इस तरह से चोरी छुपे मूर्ति को ले जाकर तोड़ के फेंक रहे हैं तो मैं निंदा करता हूँ और प्रशासन का हाथ होगा तभी ये हटाया गया है। प्रशासन पूर्ण जिम्मेदार है, ठेकेदार पूर्ण जिम्मेदार है। ठेकेदार के खरीदे व्यक्ति जो है ऐसा करते हुए मूर्ति विस्थापित की जा रही है तो उसमें छोटा सा इशू आया है। बजरंग सेना के कुछ लोग आए हैं, उनका कहना है कि गलत कार्रवाई हो रही है, राजस्व से बात की जा रही है। राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, जैसे ही वो पहुंच जाएंगे उसके बाद निर्णय निकल आएगा। कोई और बाकी कोई ज़्यादा बड़ा विवाद नहीं है यहाँ पर।